मूवी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, पर वो टैलेंटेड होने के साथ साथ थोड़ा बोरिंग भी था, जिस वजह से कॉलेज की कोई भी लड़की उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती थी। और ये मैथ्यू का आखिरी साल होता है और वो हायर एजुकेशन लेने के लिए स्कॉलरशिप ले रहा होता है। पर मैथ्यू इन सबसे भी खुश नहीं था, क्योंकि उसने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया था जिसे वो बाद में याद रख सके, और उसने अपनी पूरी लाइफ पढ़ाई करने में ही निकाल दी थी। इसलिए मैथ्यू एक दिन डिसाइड करता है कि वो अब से वही चीजें करेगा जो उसके साथ के लोग कर रहे थे, जैसे लड़कियां पटाना और गपा गप करना। और इसी बीच मैथ्यू के घर के बगल में डैनियल नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहने के लिए आती है। डैनियल इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वो दिखने में किसी सुपर मॉडल से कम नहीं लग रही थी। और रात को मैथ्यू फोन पर बात कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर डैनियल की खिड़की पर जाती है और जो कि कपड़े बदल रही थी। ये देखकर मैथ्यू का पप्पू जाग जाता है और वो छुप छुप के डैनियल को देखने लगता है। पर तभी डैनियल उसे देख लेती है कि वो मुझे देख रहा है, और वो सीधा उसके घर आ जाती है। और तभी डैनियल के डैड उसे नीचे बुलाते हैं, जिसको सुनकर डैनियल की फटकर हाथ में आ जाती है। अब मैथ्यू डरते हुए नीचे आता है और तभी उसके डैड उसे बोलते हैं कि डैनियल इस शहर में नहीं आई है और उसे इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता, और इसलिए तुम इसकी हेल्प करो और इसके साथ जाओ। और जब ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं, तभी डैनियल मैथ्यू से पूछने लगती है कि बिना कपड़ों के मेरे संतरे तुम्हें कैसे लगे। और इस पर मैथ्यू उसे बोलता है वो संतरे नहीं बल्कि मौसम भी थे। और ये सुनकर डैनियल की सटक जाती है और वो मैथ्यू को बोलती है कि चल अब तू अपने कपड़े उतार और मुझे अपना पप्पू दिखा। अब जबरदस्ती डैनियल उसके सारे कपड़े उतरवा देती है, और जब मैथ्यू पूरी तरह न्यूड हो जाता है तो डैनियल उसे कार से उतार कर उसके कपड़े लेकर भाग जाती है। और थोड़ी देर बाद डैनियल वापस आ जाती है और वो मैथ्यू को बोलती है कि वो बस उसके साथ मजाक कर रही थी। और इसके बाद वो दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं, और कुछ ही देर में हम देखते हैं उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई है। और अगले दिन मैथ्यू जब क्लास में पढ़ रहा होता है तो डैनियल वहां पर आकर उसे क्लास से बाहर बुला लेती है, और फिर वो दोनों मस्ती करने के लिए वहां से चले जाते हैं। और पूरे दिन मस्ती करने के बाद शाम को वो किसी के स्विमिंग पूल में चुपके से नहाने लगते हैं। और जब वो दोनों वहां पर किस करने वाले होते हैं, तभी मैथ्यू को रियलाइज होता है कि ये पूल तो उसके प्रिंसिपल का है, और इसलिए वो तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। और इसके बाद वे दोनों मैथ्यू के एक फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं, जहां पर मैथ्यू को देखते ही उसके दोस्त फड़फड़ा जाते हैं। वो डैनियल को इंप्रेस करने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन इस बार मैथ्यू डिसाइड कर चुका था कि डैनियल को घोड़ी वही बनाएगा, और इसलिए वो डैनियल के पास आता है और सभी के सामने उसे किस करने लगता है। अब डैनियल को किस करने के बाद मैथ्यू को ऐसा फील हो रहा था कि अब सबका बाप तो वही है। फिर उसका पपलू दोस्त उसके पास आता है और वो उसे बताता है कि ब्रो, जिसे तू मीना कुमारी समझ रहा है, बल्कि वो मीना कुमारी नहीं बल्कि मियां खलीफा है, और लोग उसकी वीडियो देखकर अपनी चुल मिटा लेते हैं। अब ये सब सुनकर बेचारे मैथ्यू का दिल टूट जाता है, और साथ ही वो बेचारा निराश होकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसका दोस्त उसे बोलता है कि यार, अगर ये गपागप स्टार है तो क्या हुआ, बल्कि तुझे तो इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और तू जो भी चाहे उसके साथ कर सकता है। और अब ये सब सुनकर मैथ्यू सीधा डैनियल के पास जाता है, जो उसकी माँ के साथ बैठकर उसके बचपन की फोटोएं देख रही थी। और वहां मैथ्यू डैनियल को बोलता है कि आओ मैं तुम्हें तारों के शहर ले चलता हूँ। और फिर वो दोनों साथ में एक होटल में जाते हैं, जहां पर मैथ्यू डैनियल को घोड़ी बनने के लिए बोलता है। लेकिन अब डैनियल भी समझ गई थी कि मैथ्यू उससे क्या चाहता है, जिस पर डैनियल उससे बोलती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने घोड़ी बनने का काम तो कब का छोड़ दिया। डैनियल बताती है कि पहले तो मैं किसी के लिए भी घोड़ी बन जाया करती थी, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। ये बोलकर डैनियल वहां से चली जाती है। और अगले दिन मैथ्यू डैनियल से माफी मांगने उसके घर पर जाता है, जहां पर उसे एक और आदमी देखने को मिलता है जिसका नाम कैली था। अब मैथ्यू कैली से पूछता है कि तुम डैनियल को कैसे जानते हो, जिस पर कैली उसे बताता है कि मैं उसका प्रोड्यूसर हूं और साथ ही मैं इसका अतीत एक्स भी हूं। अगले दिन जब मैथ्यू कॉलेज जा रहा होता है तो वो कैली को वहां पर देखता है, जो कि लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। और तभी कैली वहां पर मैथ्यू को भी देख लेता है,
और वो उन लड़कियों के आगे मैथ्यू की तारीफ करने लगता है। और इसके बाद मैथ्यू कैली के साथ बैंक जाता है, जहां वो बताता है कि एक स्टूडेंट एडवाइजर है। और दूसरी तरफ हम डैनियल को देखते हैं, जिसे अपने ही आप में गिल्ट फील हो रहा था कि वो कभी भी नहीं बदल सकती और ना ही कभी एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है, और इसीलिए वो कैली के साथ वापस लॉस वेगस चली जाती है। अब यहाँ मैथ्यू भी डैनियल से प्यार करने लगा था, और इसीलिए हमारे हीरो डिसाइड करते हैं कि वो डैनियल को वापस लेकर आएंगे, और इसीलिए वो अपने पोपट दोस्तों के साथ वहां से लॉस वेगस के लिए निकल जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक अलग ही नजारा दिखाई देता है। वो देखता है कि डैनियल बिना कपड़ों के सबके सामने नाच रही है, जिस पर वो उसे समझाता है कि तुम्हें किसी के साथ ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वहां पर कैली आ जाता है और वो मैथ्यू को वहां पर धमकाने लगता है। मैथ्यू को बोलता है कि तुम डैनियल को उसका काम करने से रोक रहे हो, और अगर वो ये काम नहीं करेगी तो मैं पैसा कमाऊंगा कैसे। लेकिन कैली के इतना धमकाने के बाद भी मैथ्यू डैनियल के पास जाता है और वो उसे समझाने लगता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम इससे काफी बेटर लाइफ डिजर्व करती हो। अगले दिन मैथ्यू जब अपने घर पर होता है तो डैनियल वहां से उसे अपने कॉलेज के लिए लेकर आती है। फिर वो जब दोनों कॉलेज जा रहे होते हैं तो मैथ्यू उसे अपने साथ प्रॉपर जाने के लिए पूछता है। आज मैथ्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था, क्योंकि आज अगर उसने अपने स्कॉलरशिप के एग्जाम को पास कर लिया तो वो हायर स्टडीज के लिए एक बड़े कॉलेज जा सकता है। पर तभी एग्जाम के दौरान कैली वहां पर आ जाता है और वो मैथ्यू को उठाकर वहां से ले जाता है, क्योंकि मैथ्यू ने डैनियल को वहां से भगाकर उसके $30,000 का नुकसान करा दिया था। और इसके बाद कैली उसे बहुत मारता है, और अपनी पूरी भड़ास निकालने के बाद वो मैथ्यू को ड्रग्स देकर किसी यूको नाम के आदमी के यहाँ उसकी ट्रॉफी चोरी करने के लिए बोलता है। फिर जब मैथ्यू वहां पर चोरी करने के लिए जाता है, तभी कैली पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस तुरंत उसे पकड़ने के लिए वहां पर आ जाती है। लेकिन तभी वहां पर मैथ्यू के दोस्त आ जाते हैं और उसे बचाकर वहां से ले जाते हैं। और इसके बाद मैथ्यू डैनियल के साथ स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज में स्पीच देने के लिए जाता है, जहां पर मैथ्यू को ड्रग्स का नशा चढ़ने लगता है और वो स्पीच की जगह उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है, और इस वजह से उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती। इसके बाद जब मैथ्यू बैंक जाता है, और इसके बाद उसे पता चलता है कि जब उसने कंबोडियन स्टूडेंट के लिए $25,000 का फंड रेज किया था, वो कैली वहां से स्टूडेंट एडवाइजर बन के ले गया है। और ये सुनते ही वो शॉक्ड हो जाता है, और वो ये बातें अपनी दोस्त डैनियल और उन सबको बताता है, जिसके बाद उसके सभी दोस्त कैली को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। फिर मैथ्यू और डैनियल दोनों ह्यूगो के पास जाते हैं, जो कि कैली की तरह ही एक प्रोड्यूसर था। वहां मैथ्यू ह्यूगो को सारी बात बताता है और साथ ही उसकी ट्रॉफी भी उसे वापस कर देता है। और फिर वो ह्यूगो को बोलता है कि अगर आप हमें $25,000 दोगे तो इसके बदले हम आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा घबाघब वाला वीडियो बना कर देंगे। और ये सुनकर ह्यूगो खुश हो जाता है और वो उनको पैसे देने के लिए राजी भी हो जाता है। अब सब लोग मिलकर वीडियो बनाने शुरू कर देते हैं। हाँ, डैनियल भी अपने कुछ दोस्तों को बुलाती है, जो कि उसी की तरह घबाघब स्टार थी। इसके बाद वो दोनों प्रॉम में जाते हैं, जहाँ पर सब लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैथ्यू के कुछ क्लासमेट्स भी आ जाते हैं और वो उन्हें बोलते हैं कि लड़कियाँ तो घबाघब स्टार हैं, जिस पर मैथ्यू उनसे पूछते हैं कि क्या तुम इनके साथ काम करना चाहोगे। लेकिन ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो मैथ्यू को हाँ बोल देते हैं, और ये सभी लोग मिलकर उसी रात वीडियो शूट कर लेते हैं। लेकिन अगले दिन जब मैथ्यू अपने घर वापस आ रहा होता है, तभी उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि हमारी वीडियो को किसी ने चोरी कर लिया है, और चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि कैली होता है। कैली मैथ्यू को धमकी देता है कि इस वीडियो की कमाई का आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे, नहीं तो इस टेप को मैं तुम्हारे प्रिंसिपल और तुम्हारे पेरेंट्स को दिखा दूंगा। पर मैथ्यू उसे मना कर देता है, जिस पर कैली ये टेप सबको दिखा देता है। लेकिन जब ये वीडियो स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं वो सिर्फ घबाघब की एजुकेशन वाला वीडियो है, जिसको देखकर सब लोग मैथ्यू की बहुत तारीफ करते हैं। और अब ये टेप ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाता है, और देखते ही देखते ये टेप मार्केट में बेस्ट सेलर बन जाती है। अब मैथ्यू के पास बहुत से पैसे आ गए थे, जिससे वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भी भर देता है, और वो उस कंबोडियन स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप दे देता है, और बाकी बचे हुए पैसे से मैथ्यू अपने लिए एक गाड़ी खरीद लेता है, और साथ ही वो कैली को एक एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देता है, जिससे वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और लास्ट में मैथ्यू और डैनियल साथ में खुशी खुशी रहते हैं। और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों ये मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी,
तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।